हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने साइंस में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप साइंस में 90% आप आसानी से ला सकते हो, क्योंकि इसमें हम लोग साइंस के हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, सारे टॉपिक सिर्फ एक ही वीडियो में। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर साइंस को पढ़ाइए, क्योंकि साइंस के पेपर में गैप नहीं है। ठीक है, बहुत ही कम गैप है, एक दिन का है। ठीक है, तो अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो साइंस का जो आपका कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। ये है क्लास 10 साइंस 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए 70 नंबर आज आप लोगों का पक्का होने वाला है। 70 नंबर का पेपर आता है तो आप लोग, मैं गारंटी देता हूं इस वीडियो को देखने के बाद 60 नंबर करके आओगे। और अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है ना तो आप 70 में 70 करके आओगे, लेकिन इस वीडियो के बाद आप 60 तो करके ही आओगे। ठीक है, तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और 29 फरवरी को आप लोगों का भैया साइंस का पेपर है, और 29 फरवरी के दिन आप पेपर में जाओगे देने तो कहोगे सर जो बताया था वही आया। ठीक है, तो 100% आएगा, हर एक टॉपिक सिर्फ एक ही वीडियो में है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, लघु उत्तरीय भी हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, न्यूमेरिकल, सारी चीजें सिर्फ एक वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग, जितने भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव में मतलब कैसे करेंगे। देखो, ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा आसान होता है, क्योंकि अगर आपने चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ा है, टॉपिक्स को पढ़ा है, तो ऑब्जेक्टिव में है क्या। पहला ऑब्जेक्टिव पढ़ो, इसमें क्या है अगर आप ध्यान से पढ़ो तो देखो, तो यहां क्या है, Fe2O3 है। ठीक है, Fe2O3 है प्लस 2Al है। ठीक है, तो हमें गिब्स आउट मिला Al2O3 प्लस 2Fe। अब पूछ रहा है इसमें किस प्रकार की आपका अभिक्रिया है। अब जो बच्चे बिल्कुल बुक ही नहीं उठाए होंगे उनको नहीं पता होगा, अब जो थोड़ा सा पढ़े हैं, अच्छे से मन लगा के पढ़े हैं, ठीक है, तो उनको तो पता ही होगा कि यहां भैया हमारा दो चीजें जुड़कर कोई एक चीज तो बना ही नहीं है, तो ये तो हमारा संयोजन होगा नहीं, तो इनको पहले ही भैया निपटा दो, मतलब काट दो। ठीक है, अब देखो द्विध्रुव स्थापन तो हुआ नहीं कि दोनों आयनों का आदान प्रदान हुआ है दोनों में, ये तो हो नहीं सकता। वियोजन का मतलब है कोई एक चीज टूट कर दो या दो से अधिक का तो निर्माण किया नहीं है, ठीक है, तो ये वियोजन भी नहीं हो सकता। अब बात आती है विस्थापन की, तो आप लोग देखो Fe2 से हमारा O3, जो Fe2 है ना, यहाँ 2Fe हो गया और O3 भैया अलग हो गया, मतलब ये पहले क्या थे, साथ में थे, फिर इन दोनों में हुआ लड़ाई, तो ये कहे हम इनके साथ आ जाएंगे, तो ये हो गए इनके साथ, तो मतलब यहां सीधा सीधा हुआ कि एक क्लास से दूसरे क्लास में विस्थापन हो गया, एक जगह से दूसरे जगह पर आ गए, तो भैया हमारा विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। थोड़ा सा अगर कॉमन माइंड लगाओगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला आ जाओ बच्चों, देखो इसमें क्या है, लिखा हुआ है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी, उसमें क्या होता है, HeCl PbNO3 का होल ट्वाइस FeSO4 एंड CaCO3। अब देखो ये कोई इसमें ट्रिक नहीं है कि मैं बता दूं, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका कॉमन माइंड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, लाइक इज आपके चैप्टर में बहुत ही, इसमें आपको चैप्टर में मिलेगा भी नहीं, बट अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से पढ़े होंगे तो कहीं ना कहीं NCERT में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा AgCl। ठीक है, तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में हम AgCl का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाओ, लिखा हुआ है भैया अम्लीय विलयन की पीएच वैल्यू होता है। अम्लीय विलयन का मतलब होता है खट्टा, खट्टा का मतलब होता है, देखो ध्यान से समझना, एक पीएच स्केल होता है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो पता चल जाएगा, हम हैं तो क्या गम है। देखो सबसे पहले देखो ये होता है 0 से 7 तक और 7 से 14 तक। अब ये कहोगे एक स्केल है, पीएच स्केल का मतलब आप समझो कि 14 सेंटीमीटर का हमारा एक पटरी है, स्केल है। ठीक है, अब भैया जो 0 से 7 के बीच में होता है वो एसिड होता है, जो अम्लीय होता है, और 7 से 14 के बीच में जो होता है वो क्षारीय होता है। अब मेन हम बताएं तो बता दो 0 से लेकर 7 तक या 7 से कम हमारा अम्लीय होगा और 7 से अधिक क्षारीय होगा। तो अब आपसे कोई पूछे अम्लीय विलयन की पीएच वैल्यू तो क्या बताओगे, 0 बताओगे, नहीं, 7 से अधिक बताओगे, नहीं, तो क्या बताओगे, 7 से कम, क्या बताओगे, 7 से कम। क्षारीय विलयन की पीएच वैल्यू 7 से अधिक। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच वैल्यू होगा। बच्चा देखो जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे, ठीक है, मतलब लाल को नीला कर दे, तो वो होता है क्षारीय, और क्षारीय विलयन की पीएच वैल्यू होती है 7 से अधिक। अब एक तो 7 से अधिक है नहीं, 4 हमारा 7 से अधिक है नहीं, 5 हमारा 7 से अधिक है नहीं, तो है क्या, हमारा 10 जो है वो 7 से अधिक है, तो ये है एक
क्षारीय विलयन, ठीक है, हो गया ना चार क्वेश्चन, बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा आई होप, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित में से अम्लीय विलयन है, सबसे पहले ये बताओ अम्लीय विलयन में क्या होता है, H प्लस आयन होता है ना, H प्लस आयन होता है अम्लीय विलयन में, हाँ तो H प्लस आयन है, तो इसमें देखो H प्लस किसमें है, H जिसमें है वो अम्लीय विलयन है, NaCl H है नहीं है ना, तो क्या है अम्लीय नहीं है, Na2SO4 H है नहीं है, तो ये क्या है अम्लीय नहीं है, KCN में H है नहीं है ना, इसमें देखो NaHSO4 ये है, क्यों, क्योंकि इसमें H प्लस आयन है, ठीक है, तो ये हमारा एक अम्लीय विलयन है, हर एक में ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगा, लेकिन हाँ ज्यादा से ज्यादा में हो जाता है, तो डोंट वरी कहीं ना कहीं आपका तो क्लियर हो जाएगा। धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है, धावन सोडा का रासायनिक नाम, देखो धावन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है, सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड को नमक कहते हैं, NaCl, सोडियम कार्बोनेट, देखो सोडियम बाई कार्बोनेट को क्या कहते हैं, पहले जो पता है उसको गलत कर दो, सोडियम बाई कार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं, चलो ये भी हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH कहते हैं, बट अब बचा क्या अकेला, वो है सोडियम कार्बोनेट, तो Na2CO3 × 10H2O होता है धावन सोडे का रासायनिक नाम, ठीक है, बट 10H2O का कोई नाम नहीं होता, Na से सोडियम और CO3 से कार्बोनेट, Na2CO3 का हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ माय डियर स्टूडेंट, लिखा हुआ है जो पेयजल है मतलब जो पीने वाला जल है, अगर उसमें जीवाणु आ जाए तो उसको हम जीवाणु रहित करने में किस चीज का प्रयोग करते हैं, जीवाणुओं को हटाने में किसका प्रयोग करते हैं, CaCl2 या फिटकरी या बेकिंग सोडा या धावन सोडा, तो पेयजल को अगर जीवाणु रहित करना है तो हम लोग CaCl2 का प्रयोग करेंगे, CA से होता है कैल्शियम, O से ऑक्सी, Cl2 से क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला बच्चों देखो कि एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10^9 m है, इस विलयन की पीएच वैल्यू होगी 10^9 है, तो जो 9 है ना यही पीएच वैल्यू हो जाएगी, समझ में आया, ट्रिक समझो, आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व करो, उसमें आप ज्यादा टाइम मत दो, ठीक है। आर्सेनिक है, आर्सेनिक धातु है, आधातु है, उपधातु है या हमारा मिश्र धातु है, देखो आर्सेनिक क्या है कि एक उपधातु है, क्या है एक उपधातु है, 9 क्वेश्चन समझ में आ गया, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, अगर दिक्कत हो तो आप लोग वीडियो को पीछे करके समझ लो, क्योंकि मैं आपको हर एक क्वेश्चन समझा रहा हूं, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस छोड़ती है या फिर देती है, तो इसमें हमारा एजी है कि हमारा के है या फिर हमारा एल है या सी यू है, देखो ध्यान से, जो हमारा हाइड्रोजन के नीचे है सकरता श्रेणी में वो नहीं देंगी, जो ऊपर है वो हमारा हाइड्रोजन आयन देंगी, तो यहां हमारा जो के है ये ऊपर है, एजी भी नीचे है, एल भी नीचे है, सी यू भी नीचे है हाइड्रोजन से, तो ये सब है भैया फ्लॉप, ये सब नहीं निकाल पाएंगी हाइड्रोजन में से, ठीक है, यानी कि अम्ल में से हाइड्रोजन, यहां देखो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है, यहां देखो सेम ही क्वेश्चन था लगभग, ठीक है, जो हमारा निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है, यहां भी सेम ही है, तो Cu तो नीचे होता है, AHG भी नीचे होता है, Pt भी, यानी कि हमारा जो Mg है, Zn है, ये हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, इसलिए ये अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करेंगे। परावर्तनी भट्टी का उपयोग होता है, परावर्तनी भट्टी का उपयोग हम किस में करते हैं, प्रागलन में, निस्तापन में, या फिर वैस्मणी में, या फिर अतिशीलन में, तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं निस्तापन में, किसका, हम लोग जो परावर्तनी भट्टी है इसका उपयोग हम लोग निस्तापन में करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया है, इन चारों में से कौन सा युग्म है जो एक प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया है, देखो सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु, मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु, फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु, सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु, तो इसमें जो हमारा प्रतिस्थापनीय है वो सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 13 का। सारा क्वेश्चन समझ लो, क्योंकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा जल्दी पढ़ाऊंगा, क्योंकि टाइम उतना है नहीं, पेपर है नजदीक, तो सारा सब्जेक्ट को पढ़ाना है, ठीक है। कार्बन जो है, कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है, देखो कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 4, क्योंकि इसमें हमारे 6 परमाणु क्रमांक होते हैं, तो 2 एंड फिर 4 में 2 जाता है, लास्ट में हमारे 4 बचते हैं, इसलिए इसकी संयोजकता 4 हो जाती है, ठीक है। ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है, ब्यूटेनॉन एक में क्रियात्मक, देखो ब्यूटेनॉन में हमारा ओन है, यानी कि कीटोन समूह, और कीटोन समूह का जो होता है वो CO होता है, तो ये CHO नहीं होगा, OH भी नहीं होगा, COH भी, CO होगा, ठीक है। अगला देखो माय डियर स्टूडेंट, यहां लिखा हुआ है एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम, एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है, एथेनोइक अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है, या फिर प्रोपेनोइक अम्ल होता है, तो एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नेम होगा वो क्या होगा, तो वो उसमें 2 कार्बन होते हैं, CH3 होता है, COOH होता है,
तो इसमें दो कार्बन है ना, फर्स्ट एंड सेकंड, तो दो को कहते हैं एथ और उसमें ओइक जोड़ दो, यानी कि एथेनोइक हो जाएगा, एसिटिक अम्ल का। ठीक है, अगला आ जाओ 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस यौगिक में जो कीटोनी समूह उपस्थित है, कीटोनी समूह, कीटोन का मतलब मैंने क्या बताया, CO ना। तो देखो समझना ध्यान से, थोड़ा सा आपको यहाँ फंसाने की कोशिश की जाएगी, बट हमें फंसना नहीं है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो यहाँ हमारा क्या है, H है, फिर सिंगल बॉन्ड C है, फिर डबल बॉन्ड O, फिर हमारा H है। देखो ये जो है वो CHO ग्रुप है, क्योंकि CHO, क्योंकि ये सारे एक साथ है। ये हमारा कौन सा CH3, ये भी CHO ग्रुप है, इसको भी हटाओ। ये हमारा COOH ग्रुप है, क्योंकि यहाँ COOH है। ये हमारा क्या है, देखो इधर CH3 मेथिल मेथिल और हमारा CO केवल अकेला है। तो ये हमारा हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कीटोनी समूह, डी वाला ऑप्शन कीटोनी समूह हो जाएगा, क्योंकि हमारे दोनों तरफ भैया CH3 मेथिल जुड़े हुए हैं और फिर हमारा ऊपर CO है, यानी कि ये अलग से है और हमारा हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है, असंतृप्त C2H6 या CH4 या फिर C2H2 एंड C3H8। देखो असंतृप्त का मतलब क्या होता है, असंतृप्त का मतलब होता है कि वो हमारा जो हो वो एल्केन ग्रुप का ना हो, एल्कीन और एल्काइन ग्रुप का हो। तो इसमें बताओ कि हमारा, तो ये तो हमारा एल्केन का ही है, दो कार्बन रखोगे तो हमारा हो जाएगा C2H6 एल्केन का, ये भी एल्केन का है, ये भी एल्केन का है, ठीक है, क्योंकि इसका नाम है मेथेन, इसका एथेन, इसका प्रोपेन, और ये जो हमारा है C2H2 ये नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझना, ये नहीं है क्योंकि ये हमारा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। 18 हो गया ना। 19 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, प्रोपेनल, प्रोपेनल में जुड़ा हुआ है अल, ठीक है, तो इसमें हमारा जो क्रियात्मक समूह होगा वो क्या होगा, वो आप लोग ध्यान से समझो। तो भैया ये तो डायरेक्टली आप बता सकते हो कि प्रोपेनल में जुड़ा हुआ अल यानी कि एल्डिहाइड समूह है, तो हमारा ये CO तो कीटोन हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा OH अल्कोहल हो जाएगा, एंड ये जो हमारा CHO है ये सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना, बहुत आसान लग रहा होगा। एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु है, एसिटिक अम्ल में हमारे कितने हाइड्रोजन अम्लीय परमाणु है। देखो इसका सूत्र होता है CH3COOH, लेकिन COOH में जो H है वो अम्लीय है, क्योंकि CH3 तो हमारा मेथिल हो जाता है, तो एक ही है, ध्यान रखना, दो मत लिखना। ठीक है, अगला आ जाओ, स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वापोषी पोषण, जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, CO2 हाँ भाई आवश्यक है, H2O पानी भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश ये भी आवश्यक है, क्लोरोफिल ये भी आवश्यक है, बट यहां हम उपयोग सभी कर देंगे, सभी आवश्यक है, इन तीन चारों के बिना हमारा ये जो है स्वापोषी पोषण नहीं होगा। अगला, यकृत स्रावित करता है, जो यकृत है वो क्या स्रावित करता है, लार या जठर रस या पित्त रस या अग्नाशयिक रस, तो जो यकृत है वो क्या स्रावित करता है, यकृत, तो यकृत जो है वो पित्त रस स्रावित करता है, क्या स्रावित करता है, पित्त रस। अगला आ जाओ 23 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या, जो कक्षा होती है ना, कक्षाओं की संख्या, तो एक होता है दायां लिंद, एक बायां लिंद, एक दायां निलय, एक बायां निलय, तो चार होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, लिखा हुआ है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, जो कि पोषण से है या श्वसन से या उत्सर्जन से या परिवहन से, तो जो वृक्क होता है वो उत्सर्जन से संबंधित होता है, क्यों, क्योंकि एक उत्सर्जी अंग है, मेन उत्सर्जी अंग, मतलब उत्सर्जनी मेन उत्सर्जी अंग है, ठीक है, तो इसलिए उत्सर्जन से संबंधित। अगला 25, पादप में जो जाइलम है वो उत्तरदायी है, पेड़ पौधों में जो जाइलम होता है वो जा से जल का वहन करता है। मैं आपको थोड़ा सा जल्दी पढ़ाऊंगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो जल्दी जल्दी क्लियर हो जाए और आप लोग जल्दी जल्दी सारा पढ़ लो। ठीक है, पित्त रस श्रावण करता है, पित्त रस कहां से श्रावित होता है, पित्ताशय से, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे पित्ताशय से ही होता है, बिल्कुल सही है क्योंकि सेम ही है, बट ऐसा मत लगाना, ठीक है, यकृत से श्रावित होता है, ठीक है, यकृत से श्रावित होता है, ध्यान रखना। अगला, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, दो तंत्रिका कोशिका जो होती है उसको खाली स्थान को क्या कहते हैं, दुर्मिका या स्नेप्स या फिर एक्सॉन या फिर आवेग, तो जो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान होती है उन्हें हम लोग स्नेप्स कहते हैं, क्या कहते हैं, स्नेप्स। ठीक है, समझ में आया। 28, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, इन चारों में से कौन सा पादप हार्मोन है, इंसुलिन, थायरोक्सिन या फिर एंड्रोजन या फिर साइटोकाइनिन, तो इन चारों में से जो हमारा पादप हार्मोन, देखो इंसुलिन तो मनुष्य में पाया जाता है, एस्ट्रोजन भी मनुष्य में पाया जाता है, थायरोक्सिन भी मनुष्य में, पेड़ पौधों में जो साइटोकाइनिन है ये पाया जाता है, साइटोकाइनिन एबेसिसिक एसिड वाला, ठीक है, तो ऐसे हैं तीन चार। अगला, मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर संतुलन या उपयुक्त में से सभी, तो सभी के लिए आवश्यक है। मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है, एंड्रोजन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन या कोई नहीं,
तो ये जो होता है ना एस्ट्रोजन कहलाता है। तो देखो हमने इसमें देखा 30 ऑब्जेक्टिव, देखो मैंने 30 ही ऑब्जेक्टिव अभी पढ़ाया है, आप लोगों के लिए और भी ऑब्जेक्टिव आएगा, बट ये 30 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव हम लोग अलग से देख लेंगे, अभी जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो, क्योंकि अभी आपका पेपर बहुत ज्यादा नजदीक है, इसलिए मैं आप लोगों को जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारा पढ़ा दे रहा हूं, ताकि आप लोगों के सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब हम लोग आते हैं जो हमारे लघु उत्तरीय क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये सारे हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय क्वेश्चन हैं। देखो मैं आपको हेडिंग डाल देता हूं, क्योंकि आप लोग कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों के अंदर, तो लघु उत्तरीय प्रश्न, बट ये ध्यान रखना इसमें वो प्रश्न है ना टॉप क्वेश्चंस जो आपके पेपर में ना डायरेक्टली हिट करेंगे, मतलब आएंगे 100% आएंगे। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को इतने अच्छे से समझेंगे कि आज के बाद आप ये क्वेश्चन नहीं कहोगे कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे और एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना भी है। देखो पहला क्वेश्चन ध्यान से समझना, 4 नंबर देकर जाएगा पेपर में, कि जो हमारा ऊष्मा क्षेपी या फिर दहन, ऊष्मा क्षेपी का मतलब होता है या दहन एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। जो हमारा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होता है, इसका अर्थ क्या है, उदाहरण के साथ समझाना है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, क्या डालोगे, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्मा क्षेपी का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना कि जिन रासायनिक अभिक्रिया में, ध्यान से समझना बहुत ज्यादा आसान है, ऊष्मा शोषी का मतलब होता है ऊष्मा का अवशोषण करना, अपनी तरफ खींचना, और ऊष्मा क्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा को बाहर निकालना, काफी आसान है ना। तो आप बताओ ऊष्मा क्षेपी पहले, कि जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, मतलब जो उत्पाद होता है उसके निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो उन्हें हम लोग ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी, मतलब हम कोई चीज बनाते हैं, ठीक है, तो उसके साथ साथ जो ऊष्मा है, भाप है या फिर आग है, वो निकले, ऊष्मा। आप लोगों ने देखा होगा जब चूने को चूने में पानी या पानी में चूने को डालते हैं तो बहुत ज्यादा भाप निकलता है, लगता है कि उबल रहा है, ठीक है। थोड़ा मैं आपको एग्जांपल आसान दूंगा, इतना बड़ा एग्जांपल नहीं दूंगा। देखो एग्जांपल समझ लो, लाइक हम लोग मेथेन लिया, एक प्राकृतिक गैस है मेथेन, ठीक है, ये हमें गैस की अवस्था में रहेगा, ठीक है भाई, गैस की अवस्था में रहेगा ही। और हम लोग O2 लेंगे, 2O2, ये भी गैस की अवस्था में, क्योंकि भाई ये भी हमारा ऑक्सीजन है, गैस ही है, ये हो गए। अब हमारा बनेगा क्या, ध्यान से समझना, एक तो बनेगा CO2, यानी कि ये भी गैस ही है भाई, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है ना, प्लस हमारा 2H2O, ये वाटर है, ये भी भाप के रूप में रहेगा, वाटर लिक्विड नहीं रहेगा, प्लस ऊष्मा। प्लस ऊष्मा का मतलब क्या है बच्चों, कि बाहर ऊष्मा जो है वो बाहर निकल रही है, इसमें ऊष्मा प्लस हो रही है, ऊष्मा क्या है, बाहर निकल रही है, ठीक है। अब देखो एक अभिक्रिया हमारा ऊष्मा शोषी है, तो ऊष्मा शोषी का मतलब होता है ऊष्मा का अवशोषण करना, वो माइनस ऊष्मा होता है। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा जो होता है अवशोषित होती है, उन्हें हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, मतलब ऊष्मा को अपनी तरफ खींचना, जहां प्लस ऊष्मा लगा हो वो समझना कि हमारा ऊष्मा क्षेपी है, और जहां माइनस ऊष्मा लगा हो वह ऊष्मा शोषी है। एग्जाम्पल मैं आपको इतना आसान दूंगा कि आज के बाद ये एग्जाम्पल जिंदगी भर याद रहेगा। N2 जो है, N2 यानी कि नाइट्रोजन में आप ऑक्सीजन मिला दो भाई, दो अक्षर का है, 2NO बन जाएगा, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, एंड हमारा माइनस ऊष्मा बाहर निकल जाएगा, बस हो गया। ये बहुत ज़्यादा आसान एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ कि आपको आसानी से तैयार हो जाए, ऐसा नहीं कि मैं आपको एक दो लाइन में एग्जांपल बड़े बड़े लिखवा दूँ, ऐसा नहीं है, मैं आपको आसान तरीके से समझा रहा हूँ, जो बच्चों को ना समझ में आए उनको भी समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है खनिज व अयस्क व खनिज को परिभाषित कीजिए, ठीक है, या फिर इन दोनों के बीच अंतर कुछ भी पूछ सकता है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, जो खनिज होता है वो समझो, एग्जांपल्स भी हमने लिख रखा है बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले मैं आपको खनिज को समझाता हूं कि प्राकृत में जो हमारे प्रकृति है, जिसमें पेड़ पौधे जीव जंतु आप भी रहते हो, प्राकृत में ऑक्सीजन भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, तो प्रकृत में पृथ्वी के अंदर जो हमारी पृथ्वी है, धरती माता, उसके अंदर धातुएं तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाया जाता है उसको खनिज कहते हैं। खनिज का मतलब होता है जो पृथ्वी के अंदर होता है ना, पृथ्वी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ही सारी चीजें, बहुत सारे आभूषण हैं, बहुत सारे लोहे हैं, बहुत सारे खनिज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो सारे हमारे खनिज ही होते हैं, लाइक कोयला, लोहा, ये सब खनिज हैं, ठीक है, ये सब पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं,
ठीक है। अयस्क क्या है? अयस्क समझो, जिन या फिर जिस खनिज से किसी धातु का प्रचुर मात्रा में कम व आसानी से प्राप्त किया जाए उस खनिज को उस विशिष्ट धातु का अयस्क कहते हैं। मतलब कम खर्चा करके हम लोग क्या करें कि जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम व्यय पर आसानी से प्राप्त किया जा सके उस खनिज को हम उस धातु का विशिष्ट या फिर धातु का अयस्क कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा जैसे एल्यूमिनियम और बॉक्साइड। क्या है? एल्यूमिनियम और बॉक्साइट। हो गया ना दो क्वेश्चन। देखो मैं आपको बहुत आसानी से समझा रहा हूँ, ऐसा मत सोचो कि हार्ड है कुछ भी समझो। अगर आप हार्ड लेकर चलोगे ना तो हार्ड ही आपको लगेगा, बट हार्ड तो है नहीं। मुझे तो नहीं लग रहा कि साइंस हार्ड है। थोड़ा सा अगर आप मन लगा के पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो यार हार्ड नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो बिना मन के तो थोड़ा सा हार्ड लगेगा। ठीक है, जैसे यहां देखो समजातीय श्रेणी, इसको समझो कि समजातीय क्या है। सम मतलब समान, जाति मतलब जाति, जो एक तरह हो, बिल्कुल एक तरह। चाहे हमारे एल्कोहल समूह के हों तो एक तरह हो, हमारे एल्केन समूह के हैं तो एक तरह के हों, चाहे एल्डिहाइड समूह के हों तो सारे एक तरह के हों। ठीक है, तो समजातीय का मतलब होता है सामान्य जाति। तो समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ आपको समझाना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों का वह समूह, जो हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है। जैसे उनके जो सामान्य सूत्र हो, लाइक हमारा सामान्य सूत्र है CnH2n+2, यानी कि एल्केन है, या फिर CnH2n एल्कीन है, कुछ भी हो, वो एक जैसे हो तो दिस इज समजातीय श्रेणी। और अगर उनके समूह एक जैसे हो, जैसे हमारा एल्कोहल समूह है या फिर हमारा एल्डिहाइड समूह है, कीटोन समूह है, सारे एक जैसे हो तो वो हमारा समजातीय श्रेणी होता है। तथा उनके जो गढ़ होते हैं, उनके जो सदस्य होते हैं, वो समजात गण होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आए। जैसे मैं एक अल्कोहल का एग्जांपल लेता हूं, जैसे हमारा पहला है अल्कोहल में मेथेनॉल, मेथ मेथेन में ऑल जोड़ोगे मेथेनॉल हो जाएगा, तो मेथेनॉल। ठीक है, इसका सूत्र होता है CH3OH, इसमें एक कार्बन है। ठीक है, ये हो गया मेथेनॉल। अब देखो मैं आपको सारा एग्जांपल बता रहा हूं, फिर हमारा एथेनॉल, एथेनॉल इसका सूत्र होता है CH3CH2OH। तो ये सारे हमारे एक ही जैसा ना, क्योंकि इसमें OH OH ग्रुप ही लगा हुआ है। अगला देखो, अगर हम एक और लें, तीन का जोड़ा बना दे, प्रोपेनॉल। ठीक है, अगर सारे एक जैसे हों तो भैया वो सारे हमारे क्या होते हैं, सारे समजातीय श्रेणी होते हैं, CH3CH2CH2OH। हो गया, लगा आसान की नहीं, सारे एक जैसे। देखो OH इसमें भी जुड़ा है, OH इसमें भी, OH इसमें भी, तीनों में OH है, इसलिए हमारा यह समझाते श्रेणी होगा। कुछ लक्षण समझ लो। लक्षण नंबर ए है, सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। सभी सदस्य, दूसरा समझो वी वाला, सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह। देखो सब में एक ही क्रियात्मक समूह ना, सी है, प्रत्येक कर्मागत सदस्य के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। देखो ध्यान से, यहां CH3 है, यहां CH3CH2OH है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, केवल CH2 का। अगर यहां बीच से CH2 हटा दो तो ये भी हो जाएगा CH3OH। फिर इनका इनका कंपेयर करोगे तो CH3CH3CH2CH2OH, इसमें केवल CH2 का अंतर है, तो सब में CH2 का अंतर है। और किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों के सामान्य गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अल्कोहल का हमारा बहुत सारे एक जैसे गुणधर्म है, सामान्य गुणधर्म है, तो उसके द्वारा हम एक का पता कर लें कि अल्कोहल समूह का है, तो सामान्य गुणधर्म सबका पता कर सकते हैं। तो यह हमारा हो गया समजातीय श्रेणी, तीसरा नंबर क्वेश्चन, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं आप लोगों को समझा दिया। अब आप लोगों को समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो आ जाएगा जल्दी ही, एक बार और वीडियो देख लेना। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टिप्पणी करने के लिए हर साल आता है। साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो साबुनीकरण है ना, साबुन बनाने की प्रक्रिया, ठीक है, रिएक्शन इसका हार्ड है। मैं तो ये कहूंगा भाई रिएक्शन समझ लेना, वरना प्रॉब्लम में आ जाओगे। साबुनीकरण पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग साबुनीकरण को समझते हैं कि उच्च अणुभार वाले, जो उच्च, जिसका जो अणुभार है वो उच्च हो, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के, जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है होते हैं, उनके सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। मतलब जिसका अणुभार है वो उच्च हो, तो उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण को साबुन कहलाते हैं। ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है, ये क्रिया साबुनीकरण कहलाता है। साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया देख लो, मैं आपको समझा देता हूं। देखो CH2OCO C17H35, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड लगाओ, CH3CH केवल है, ठीक है, CH है, फिर OCO C17
H35 थोड़ा सा भाई बहुत ही ज़्यादा आपको हार्ड लगेगा। फिर ऊपर वाला सेम नीचे ले लो CS2 OCO C17 H35 ठीक है। प्लस हम 3 NMOH लेंगे NMOH ठीक है। अब देखो गिफ्ट आउट हमें मिलेगा भाई, यहाँ से CS2 ले, यहाँ से CS2, यहाँ से OH क्योंकि यहाँ 3 OH है, फिर यहाँ से CS लो लो, फिर यहाँ OH ले लो, फिर यहाँ से CS2 ले लो, फिर यहाँ से OH ले लो। ये हमारा ग्लिसराल है ठीक है, फार्मूला ग्लिसराल का है, नहीं पता है तो याद कर लो। फिर हमारा साबुन बन जाएगा 3C17H35 क्योंकि 3 बार हमारा C17H35 से देख लो, 3 बार है ना, और COONA ठीक है, C17H35 COONA इसका फार्मूला होता है। नाम मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये हमारा है बच्चा ट्राइस्यूटेरिन क्योंकि 3 बार है ना, तो इसलिए हम लोग ट्राई लगाएंगे सिटेरिन। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये है ग्लिसराल, क्या है ग्लिसराल, बीच में यार सा लगा देना ठीक है, और ये हमारा है साबुन बस ठीक है। तो थोड़ा सा हार्ड था बस, है कुछ नहीं, बस ये हो गया साबुन बनाने की विधि। अगला रुधिर तथा सॉरी धमनी तथा सिरा में अंतर। देखो धमनी और सिरा में क्या डिफरेंस है, धमनी एक तरफ लिखना है, एक तरफ सिरा लिखना, एक एक डिफरेंस को हम 5 डिफरेंस देखेंगे। पहला, इनमें रुधिर जो है हृदय से अंगों की ओर बहता है, जो इसमें रुधिर जो है वो हृदय से अंगों की ओर बहता है, सिरा में इसमें रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है ठीक है, उल्टा है। और दूसरा देखो, हृदय की धड़कनों के कारण इसमें रुधिर जो है रुक रुक कर तथा अधिक दबाव के साथ बहता है। इसमें दूसरा है कि सिराओं में जो है वो सिराओं में रुधिर के बहाव की गति धीमी व फिर हमारा एक सी होती है ठीक है। एंड तीसरा देखो, इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी व लचीली होती हैं, जो इनकी दीवारें हैं वो अत्यधिक मोटी व लचीली होती हैं। तीसरा इसमें देखो, इनकी दीवारें पतली व कम लचीली होती हैं। और 4 नंबर देखो, इनका रंग जो होता है गुलाबी चटक लाल होता है, ये गहरे लाल या नीले या बैंगनी रंग की होती हैं। 1 पॉइंट और 5वां, ये प्रायः त्वचा से दूर गहराई में स्थित होते हैं, और हमारा सिरा जो है ये प्रायः त्वचा के समीप स्थित होती हैं। देखो ये बैंगनी रंग का होता है, देखा होगा आप सभी लोगों ने कि ये बैंगनी रंग का हो, त्वचा के समीप त्वचा के पास ही होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब डॉक्टर सुई लगाते हैं ना हाथ में, तो देखा होगा कि वो जो नस होता है ना वही होता है सिरा, क्योंकि वो त्वचा के पास होता है और हल्का नीला बैंगनी रंग का होता है ठीक है। समझ में आया तो हो गया ना, समझ में आ गया होगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, अभी तक हम लोगों ने नहीं 5 क्वेश्चन देखे, 6वां नंबर क्वेश्चन देखो, स्वपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण या फिर परपोषी पोषण में क्या डिफरेंस है। देखो स्वपोषी पोषण इधर, परपोषी नहीं सॉरी स्वपरागण और परपरागण देखेंगे, इधर स्वपरागण है इधर परपरागण ठीक है। ये परागण के प्रकार है, एक स्वपरागण होता है, एक परपरागण होता है ठीक है। जो पोषण है वो होता है स्वपोषी पोषण, परपोषी वो अलग होता है। तो देखो सबसे पहले स्वपरागण देखो, स्वपरागण का मतलब होता है पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है, क्योंकि इसमें स्वपरागण होगा ठीक है, स्वयं से होगा तो भाई द्विलिंगी होना चाहिए। और ये जो होता है परपरागण, पुष्प द्विलिंगी होता है, एक लिंगी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी नया संतान हो जाएगा। दूसरा है नर और मादा भाग एक साथ परिपक्व होने आवश्यक है, मतलब नर और मादा जो भाग है वो एक साथ परिपक्व हो ताकि तभी नए संतान का उत्पन्न होगा। इसमें अधिकतर अवस्थाओं से नर तथा मादा भाग अलग अलग समय पर भी परिपक्व होते हैं। तीसरा है पुंकेसर व स्त्री केसर पुष्प में इस प्रकार स्थित होते हैं कि परागण आसानी से वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए ठीक है। और इसमें होता है अनेक बार पुंकेसर और जयांग भाग प्रायः इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच सकते, मतलब उसी पुष्प से नहीं आएंगे, दूसरे पुष्प से भी हमारा हो सकता है। 4th पॉइंट लास्ट है, कुछ पौधे के पुष्प जो होते हैं बंद ही रहते हैं, कभी खुलते ही नहीं, मटर जैसे हमारा एग्जांपल मटर है, मटर का कहाँ खुलता है, जब हम लोग उसको फोड़ते हैं तब उसमें दान निकलते हैं। 4 इसमें देखो, सभी पुष्प खुलते हैं तथा अपने जननांगों को अनावृत होने देते हैं, जैसे गुलाब ठीक है। 6 क्वेश्चन हो गया ना, 7वां क्वेश्चन आओ, लक्षण प्रारूप तथा जीन प्रारूप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लक्षण प्रारूप होता है या फिर जीन प्रारूप। देखो लक्षण प्रारूप का मतलब होता है जीनोटाइप का मतलब होता है जीन प्रारूप, और फिनोटाइप का मतलब होता है समलक्षणी या फिर लक्षण प्रारूप। तो जीनोटाइप का मतलब देखो, आकारिक लक्षण में जीव चाहे जैसा हो, मतलब दिखने में आकार में वो चाहे जैसा हो, बड़ा छोटा बौना ठीक है, चाहे जैसा हो, उसमें पाई जाने वाली जो जीनी संरचना जीन प्रारूप या जीनोटाइप का, उसमें जो पाई जाने वाली जीन की संरचना अगर एक जैसा है तो वो जीनोटाइप होगा। और फिनोटाइप का मतलब होता है जीन किसी भी प्रकार का हो, अंदर जो जीन है वो किसी भी प्रकार का हो, या दुवाह रूप में वो समान लक्षण या उनका जो प्रभाव है वो समान दिखाई दे रहा है तो वो हमारा फिनोटाइप होगा ठीक है। तो फिनोटाइप का मतलब
उसका लक्षण समान हो, जीनोटाइप का मतलब उसका जीन समान हो, बस इतना समझना। निकट दृष्टि दोष समझो, निकट दृष्टि दोष समझ लो। देखो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण है, इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे, किरण आरेख द्वारा समझाइए। देखो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, परंतु अधिक दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है, मतलब दूर की वस्तुएं स्पष्ट देखो ध्यान से, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, यहां समझने का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में क्या होता है कि आपका जो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की यानी कि निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु अधिक दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, अर्थात नेत्र का जो दूर बिंदु है वो अनंत पे ना होकर कम दूरी पर आ जाता है। इस दोष के कारण पहला, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाए। जब वक्रता बढ़ जाएगी तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी, तो फिर उनको दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, दूसरा है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाए। फिगर बनाओ या फिर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग निवारण समझ लेते हैं। देखो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। किस लेंस का? अवतल लेंस का चश्मा। ठीक है, तो हमारा दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन आ जाओ माय डियर स्टूडेंट। 9 नंबर क्वेश्चन वाला फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम आप लोगों को इसको साथ में सॉल्व कराएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन समझो, लिखा हुआ एक गुलाम आवेश, आवेश कितना, एक गुलाम की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें समझना है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। जो हमारा वी नो डेट, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो देखो यहां लिख दो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर हमें संख्या ज्ञात करनी है ना, तो आवेश हमारा जो होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम होता है। ठीक है, हमें क्यू भी दे रखा है 1 कूलाम। ठीक है, तो एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्यू बराबर एन ई की, नहीं पढ़ा है ना। अरे जब पढ़ोगे तब तो जानोगे। देखो यहाँ क्यू बराबर एन ई, अब याद कर लो, नहीं जानते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा। देखो अब देखो यहाँ से क्यू हमारा 1 कूलाम है, एन हमें ज्ञात करना है, ई हमारा है 1.6×10⁻¹⁹। एन हमें ज्ञात करना है ना, देखो ये एक है, एक के नीचे ये आ जाएगा तो 1.6×10⁻¹⁹ नीचे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमें एन की संख्या जो मिलेगी, देखो यहाँ हम एक में 1.6 को भाग देंगे और ये 10^19 है वो प्लस हो जाएगा। अब इसको भाग देने से अच्छा एक काम कर लो कि यहाँ से आप दशमलव हटा लो, यहाँ 10 कर लो और 10 नहीं, इसको आप 10 कर लिए एक और इसमें 100 कर लो और 16 कर लो और यहाँ हमारा 10^19 को 18 कर दो। क्यों? क्योंकि हमने 10 इसमें कर लिया। अब 16 से आप 100 में भाग दोगे तो ये कितना आएगा जानते हो? 6.25×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन। हमें संख्या ज्ञात करनी थी ना, तो एक इलेक्ट्रॉन पर हमें इतना हो गया। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा। बहुत ज्यादा आसान है, कुछ है नहीं, बट हाँ इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और समझो, 10 नंबर जो हमारा लघु उत्तरीय है, लास्ट नंबर क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से समझना क्योंकि समझ लोगे तो वही अच्छा रहेगा। देखो लिखा क्या है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इस बल के लिए आवश्यक सूत्र भी लिखिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, लास्ट चैप्टर का है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से। तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला बल, कण के आवेश के परिणाम, चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम, कण के वेग, इसकी गति की दिशा व चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के कोण पर निर्भर करता है, इतनी सारी चीजों पर। अब हम लोग एक एक लिखेंगे। देखो यदि किसी गतिशील आवेशित कण का जो आवेश है वो क्यों हो, वेग v हो, और तथा जो v है वो तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा थीटा कोण बनाते हुए गति करती है, तो इस बात पर लगने वाला बल जो होगा एफ बराबर, ध्यान से समझना, मैं सूत्र बता देता हूँ, एफ बराबर क्यू मतलब हमारा आवेश, ठीक है, क्यू हो गया ना, एंड क्यों वी चुंबकीय क्षेत्र, एंड हमारा एक वी आवेश, क्यों वी भी साइन थीटा, बस यही हो जाएगा, कुछ है नहीं यार, आसान है, आंसर आ गया, यही तो हमें सूत्र निकालना था। तो ये आप लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्न समझ में आ गया ना, जो क्वेश्चन मैंने बताया है वो सारा समझ में आ गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, सारा आंसर के साथ समझेंगे, आप लोग देख सकते हो सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चंस खत्म होने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे
और जो क्वेश्चंस बताएंगे ना वो बोर्ड पेपर में 100% आएगा, मतलब बोर्ड पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो फिर देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो पहला नंबर प्रश्न आप लोग ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है कि व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि लिखिए। जो व्यंजक चूर्ण है, व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा उपयोग भी लिखिए। तो जो व्यंजक चूर्ण होता है उसको कैसे बनाया जाता है, उसके भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, सब कुछ आपको लिखना है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, नोट बना लेना ताकि आप लोगों को ये पूरा समझ में आ जाए। देखो, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, जैसे हम लोग व्यंजक चूर्ण कहते हैं, हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में ब्लीचिंग पाउडर लिखा हो तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब यहां से आप इसका फॉर्मूला बता सकते हो, सी एस से कैल्शियम, ओ से ऑक्सी, सी एल टू से क्लोराइड, ठीक है। तो यहां से अगर आपको नाम पता है तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक निकाल सकते हो, ठीक है। तथा इसका अण सूत्र जो होता है सी ए वो सी एल टू, ठीक है, जो सी ए वो सी एल टू, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो आगे आप लोग देखो बनाने की विधि, तो बनाने की विधि बहुत ज्यादा आसान है, कुछ है नहीं। देखो, यह सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त होता है। यह जो होता है सूखा बुझा हुआ चूना, ठीक है, सूखे बुझे हुए चूने पर जब हम लोग क्लोरीन की क्रिया करते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है, ठीक है। यानी कि आप लोगों का जो CaO एच का होल ट्वाइस, इस पर आप लोग क्या करोगे, क्लोरीन से रिएक्शन कराओगे Cl2 से, तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम, सी एस ए कैल्शियम, ओक्से ऑक्सी, सी एल टू से क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, और प्लस हमारा H2O बाहर निकल जाएगा, बस बन गया। अब इसी में बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये हार्ड है, इसमें क्या हार्ड है, आप लोग ही देखो, हमने CaOH का होल ट्वाइस लिया, उसमें कैल्शियम से अभिक्रिया कराई, हमारा CaO Cl2, यानी कि यही तो हमें बनाना था व्यंजक चूर्ण, यही तो है व्यंजक चूर्ण, बस हो गया। तो जो बनाना था वो हमारा बन चुका है, और हमें इसके आगे क्या समझना है, देखो भौतिक गुण, भौतिक गुण इसका समझ लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भौतिक गुण पहला, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, ये जो होता है हल्का पीला रंग का चूर्ण होता है। और सेकंड, यह जल में अल्पविलेय है। जो हमारा व्यंजक चूर्ण है ये जो जल होता है जल में अल्पविलेय है, बिल्कुल से नहीं घुल जाता, और इसका जलीय विलयन दुधिया होता है। जब हम इसको जल में घोलते हैं तो इसका जलीय विलयन दुधिया हो जाता है। तो ये तीन आपको भौतिक गुण समझ में आ गए, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग देखते हैं रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो, नंबर फर्स्ट हम लोग रासायनिक गुण समझेंगे, इसमें रिएक्शन लिखना पड़ेगा कि व्यंजक चूर्ण का जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, व्यंजक चूर्ण का जब अम्ल के साथ, यानी कि हमारा CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जब हम लोग अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, अम्ल हम आप लोगों को ले सकते हैं लाइक एज हमने ले लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इससे आप अभिक्रिया कराओगे तो हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें क्या मिलेगा, यहां मिलेगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट एंड प्लस H2O वाटर एंड प्लस हमारा Cl2 गैस बाहर निकल जाएगा। ये हमारा हो गया पहला, जो कि है व्यंजक चूर्ण का अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा देखो, इसे जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। जब हम इसे जल में घोलते हैं तो इसमें से क्लोरीन गैस बाहर निकलती है, ठीक है। लाइक इज आपने CaO Cl2 को जब आपने जल में घोला H2O में तो आपका क्लोरीन गैस बाहर निकलेगा, सीधी सी बात है, सीधा तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां CaOH का होल ट्वाइस और प्लस Cl2 गैस बाहर निकल जाएगा, बस यही दो आप रासायनिक गुण तैयार कर लो, आपका रासायनिक गुण कंप्लीट हो जाएगा। अब उपयोग समझो, उपयोग में हमारा नंबर फर्स्ट है ऑक्सीकारक के रूप में। ऑक्सीकारक का मतलब है प्रयोगशाला में हम इसका प्रयोग करते हैं, कुछ बनाने में, कुछ चीजों में जब हम इसका उपयोग करेंगे तो नई चीजें बनती हैं, ठीक है। अगला है पेयजल को जीवाणु रहित करने में, जो पीने वाला जल है उसमें अगर जीवाणु हो गया है तो इसके द्वारा हम उस जीवाणुओं को खत्म कर देते हैं। ऊन के सिकुड़ने से बचाने में, ठीक है, यानी कि जो ऊन होता है उसके सिकुड़ने से बचाने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं जो हमारा दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, दूसरा
दूसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है, ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो 2014 में आया हो, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, यानी कि हर साल बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो तैयार कर लेना। जैसे एस्ट्री करण से आप क्या समझते हो एंड उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, और एथिल के जल अपघटन की समीकरण दीजिए, और एसिटिक अम्ल के प्रमुख उपयोग भी लिखिए। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक टाइप से और पूछ सकता है कि एसिटीकरण पर टिप्पणी लिखिए, ऐसे भी पूछ सकता है। तो कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चंस कई प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो बस पहले हम लोग समझेंगे एस्ट्रीकरण। एस्ट्रीकरण समझने से पहले अगर आपने चैप्टर नंबर 2 में उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ा है तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब होता है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है। दिस इज उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। अब यहां अगर वो पढ़ा है तो आधा आपका तैयार है। समझो, देखो जिस प्रकार जो अम्ल होता है और क्षार होता है, ठीक है, कि पारस्परिक अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है। जैसे अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है, लवण बनता है, जल बनता है। ठीक उसी प्रकार अम्ल तथा अल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर तथा जल बनता है। जब हम अम्ल जो हमारा है और अल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं तो एस्टर बनेगा तथा जल बनेगा, उस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। इसी अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। अगर एस्टर बन गया तो वही तो हमारा एस्टरीकरण है। तो अब आपको इसमें क्या कंफ्यूजन है, जिस प्रकार अम्ल जो होता है क्षार होता है, आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाती हैं, ठीक उसी प्रकार जो हमारा अल्कोहल है और अम्ल है वो अभिक्रिया करके एस्टर तथा जल बनाती हैं। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन समझ लो, जैसे हम लोग अम्ल लेंगे CH3COOH, ये हमारा एसिटिक अम्ल है, ठीक है। एंड फिर हम लेंगे अल्कोहल C2H5OH, ये हमारा एथिल अल्कोहल है। मैं नाम नहीं लिखूंगा, आपको बता दे रहे हैं ये हमारा एसिटिक अम्ल है और ये हमारा एथिल अल्कोहल है, और ये जब अभिक्रिया करेगा तो हमारा एस्टर बनेगा, यानी कि CH3COOC2H5, ये हमारा एस्टर बन गया, ठीक है। प्लस हमारा H2O अर्थात जल बनेगा। अब देखो ये जो एस्टर बना है, ऊपर लिख देते हैं, नीचे आपका जगह नहीं है तो ऊपर लिखो, एस्टर। एस्टर अगर बने तो वही एस्टरीकरण है, इसी के नाम पर एस्टरीकरण पड़ा है, ठीक है। तो बस समझ में आ गया, ये हमारा अम्ल है, मैं एग्जाम्पल अम्ल लिख देता हूं, वैसे हमारा एसिटिक अम्ल है, ये हमारा क्या, अल्कोहल, अल्कोहल या फिर एथिल अल्कोहल, ठीक है। बस तो हमारा एस्टर तथा जल बन गया। अब देखो एथिल का यानी कि एथिल एसीटेट जो हमें बना है, इसे हम लोग एथिल एसीटेट भी कह सकते हैं, CH3 से एथिल और ये हमारा एसीटेट, ठीक है। एथिल एसीटेट का जल अपघटन समीकरण, यानी कि एथिल एसीटेट का आप जल से अभिक्रिया कराओगे तो क्या मिलेगा, तो इस समीकरण को आप उल्टा कर दो, आपको मिल जाएगा। देखो ये जो हमारा समीकरण है CH3COOC2H5, ये हमारा समीकरण है, और प्लस हमारा जल से अभिक्रिया करा दो, जल अपघटन करा रहे हैं, ठीक है। तो जल अपघटन यानी कि हमारा H+ आयन, ठीक है, उत्प्रेरक ले लो, तो यहां हमें क्या मिलेगा, जो हमारा इधर है इसको इधर कर लो, यानी कि CH3COOH, ये क्या है हमारा एसिटिक अम्ल है, प्लस C2H5OH, ये हमारा एथिल अल्कोहल है या फिर अल्कोहल। बस यही होता है हमारा क्या, जल से अपघटन, एथिल अल्कोहल से जल से अपघटन। जल अपघटन का मतलब होता है जल से रिएक्शन कराना, ठीक है। उपयोग समझो, पहला, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं कृत्रिम सिरका बनाने में, और सिरका बनाने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। देखो एक चीज कॉमन होता है कि हम प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, तो ये हर एक चीज में कॉमन है, चाहे आप जो बनाओ, चाहे बेकिंग सोडा बनाओ, चाहे धवन सोडा बनाओ, चाहे बेकिंग सॉरी व्यंजक चूर्ण बनाओ, या फिर एस्टरीकरण करो, किण्वन करो, कुछ भी करो, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में ये कॉमन सा चीज है, ये हर एक चीज में कॉम आएगा उपयोग में, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, बायोलॉजी से एक ऐसा टॉपिक है ना जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, तो आप लोग इसको जरूर तैयार कर लेना बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें क्या पूछ रहा है कि जो पाचन तंत्र है, सचित्र वर्णन करो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार है। देखो पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। अब चित्र कैसे बनेगा, चित्र मैंने बहुत ही जल्दी जल्दी बना दिया है, ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं, बट बोर्ड एग्जाम में बनाना है, जैसा मैंने बनाया है ऐसे ही बना दोगे तो नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पाचन तंत्र ये है भैया, ठीक है, कैसा लगा,
आई होप कि अच्छा ही बना है। ठीक है, देखो ये है एक मनुष्य, मनुष्य का जो इंटरनल पार्ट होता है, अंदर का पार्ट, ठीक है, बाहर से तो बहुत खूबसूरत दिखते हैं लेकिन अंदर से कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारा जो मुंह है, देखो यहां एक मनुष्य है, तो यहां देखो सबसे पहले देखो, तो यहां आ जाओ, ठीक है, हेयर स्टाइल पे मत जाना, वो बहुत ही अच्छा है। देखो यहां आप देखो, ये है मुंह जिसके द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है, ठीक है, ये क्या है, मुंह है। फिर देखो ये पाइपलाइन जो है, ये एक ग्रसनी है, जैसे नली होता है ना, जैसे मनुष्य के अंदर एक नली होता है जिसके द्वारा भोजन अंदर जाता है, पेट में जाता है, ठीक है, तभी तो उसका पाचन होगा, बट इस नली में कोई पाचन नहीं होता है, ये एक जैसे पाइप होता है वैसे होता है, भोजन जाएगा मुंह में, थोड़ा पाचन होगा, फटाक से अमाशय में पहुंच जाएगा, यहाँ अमाशय में बहुत ज्यादा पाचन हो जाता है। ठीक है, तो ये अमाशय है जिसे हम लोग कहते हैं स्टमच, यानी कि पेट जिसे कहते हैं, ये हमारा अमाशय है। ये यकृत है सबसे बड़ी ग्रंथि, इसके बीच में एक पित्ताशय है, एंड ये है बड़ी आंत, क्या है, ये जो ऐसे ऐसे से बनी हुई बड़ी आंत है, और ये जो अंदर वाला है ये क्या है, तो ये इनके भाई है छोटी आंत। ठीक है, तो ये चित्र आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चित्र समझ में आ गया, बना देना, ऐसे ही आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, मेन है कि आप थ्योरी लिखो, चित्र तो आप बना दो, पार्ट से मेन होता है कि पार्ट्स आप सही सही दर्शाना, ग्रसनी कहाँ है, मुंह कहाँ है, मासे कहाँ है, यकृत कहाँ है, पित्ताशय कहाँ है, बड़ी आंत कहाँ है, छोटी आंत, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे आखिर पाचन होता क्या है। ठीक है, डाइजेस्ट, पाचन क्या होता है, पाचन तंत्र तो ये है हमारा कि ये पूरा तंत्र है, भाग है। अब पाचन के बारे में समझो, देखो संयुक्त आघुलनशील भोज कणों को, जब हम भोजन को खाते हैं, बहुत सारे ऐसे कण होते हैं जिनको मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है उसको चबाने में, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, तो संयुक्त आघुलनशील भोज पदार्थ का सरल घुलनशील व अवशोषण योग्य परिवर्तित होना पाचन कहलाता है। बहुत सारी चीजें आप खाते हो उसको पाचन करना बहुत बड़ी बात है, तो ये पाचन तंत्र जो है पूरा उसको डाइजेस्ट करता है, बैलेंस करता है। ठीक है, अब एक सबसे पहले हम लोग इसके भाग को देखेंगे, मुख को, ठीक है, मुख का भाग है, देखो मुख, या फिर इसे कह सकते हैं मुख गुहा। ठीक है, मुख द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं, मुख में लार नामक ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है, जिसमें से निकलने वाली लार भोजन को निगलने में सहायता करता है, लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो शर्करा में बदल जाता है। ठीक है, तो मुख हो गया। अब देखो ग्रसनी, या फिर ग्रसनी, या फिर ग्रसिका, ठीक है, नली है, देखो निगल द्वार से भोजन ग्रसिका में जाती है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, ग्रास नली से भोजन अमाशय में पहुंच जाता है, यहां से जो ग्रास नली है यहां से भोजन हमारा अमाशय में आ जाता है। अब अमाशय आ जाओ, अमाशय को भी देख लेते हैं, सबको देखेंगे, देखो अमाशय में भोजन आता है, इसमें जठर नामक ग्रंथि पाई जाती है। देखो एक एक को मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, वैसे तो आपको बुक में देखोगे दो तीन पेज में मिलेगा ये पाचन तंत्र, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से लिखा है। ठीक है, पाया जाता है, जठर नामक ग्रंथि से जठर नामक रस निकलता है, जठर रस HCl पेप्सिन रेनिन पाया जाता है, जो जठर रस होता है उसमें HCl पेप्सिन रेनिन पाया जाता है। अब HCl क्या करता है, HCl जो होता है वो भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है क्योंकि ये अम्ल है। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन पर क्रियाशील है और प्रोटीन को पेप्टोन्स में तथा पेप्टाइन्स में बदल देता है, पेप्टोन्स और पेप्टाइन्स में। एंड रेनिन जो होता है दूध को फाड़ कर उसमें घुली कैसीन को अलग करता है। तो ये तीनों की अलग अलग भूमिका है अमाशय में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा तीसरा पार्ट अमाशय है। चौथा पार्ट आप आ जाओ, छोटी आंत और बड़ी आंत। देखो छोटी आंत जो होता है अमाशय से भोजन ग्रहणी में पहुंचता है, ठीक है, एंड ग्रहणी से छुद्राणु में, छुद्राणु का मतलब होता है छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन का अत्यधिक पाचन हो जाता है, बिल्कुल पाचन हो जाता है, कुछ बचता नहीं, जो बचता है वो क्या होता है, वो बड़ी आंत में जाता है, बट वो जो होता है वो व्यर्थ होता है। ठीक है, वो सब जहरीली चीजें होती है, ठीक है, तथा अवशोषण अवशेषण जल तथा भोजन ही बचता है। ठीक है, अब बड़ी आंत आ जाओ, ये भैया जो बड़ी आंत है ये, ठीक है, ये बड़ी आंत है, ये जो है ये गुदा द्वार है। ठीक है, अब देखो यहां बड़ी आंत, यह लगभग आहार नली का अंतिम भाग है, यह लगभग 1.5 मीटर लंबा 4.7 सेंटीमीटर चौड़ी नली होती है, इस भाग में पचे हुए भोजन और तथा शेष जल अवशोषण होता है और पाचन अपच्य जो है भोजन को शरीर से बाहर निकाल देता है या निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये बड़ी बात हो गया। बस पाचन तंत्र में आपको तीन से चार पांच हेडिंग मैंने डिस्कस किया है, पहला है मुख गुहा, फिर ग्रासिका, फिर अमाशय, फिर बड़ी आंत, छोटी आंत, बस इतना अगर हेडिंग और चित्र के साथ डिस्कस कर दिए ना, नंबर की बारिश हो जाएगी, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पादप हार्मोन्स पर टिप्पणी लिखिए, पादप हार्मोन्स पेड़ पौधों वाला हार्मोन्स,
एक होता है जंतु हार्मोन्स, एक होता है पादप हार्मोन्स। ठीक है, तो पादप हार्मोन सबसे पहले देखो 2014 में आया, 2018 में, 2020 में, 2016 में, 2018 में, हर बार मतलब आता ही है। ठीक है, अगली बार ये चैप्टर नहीं था। तो पादप हार्मोन्स का मतलब होता है पादप में जो वृद्धि है तथा निविकास। जो पादप है पेड़ पौधों में जो वृद्धि होता है, वृद्धि का मतलब होता है विकास करना या फिर विकास को नियंत्रित करने के लिए कुछ विशिष्ट रासायनिक पदार्थ होते हैं। मतलब देखो ध्यान से, एक तो होता है बढ़ना, एक होता है उसको नियंत्रित करना। अगर उसको नियंत्रित ना करा जाए तो पेड़ पौधे बड़े होते 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 तो आसमान तक चले जाएंगे। ठीक है, तो एक होता है मतलब हार्मोन्स जो पेड़ पौधों को बढ़ाने के लिए, दो हार्मोन्स होते हैं और फिर वो जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो उसको रोकना भी जरूरी है। तो उसको रोकने के लिए वृद्धि नियामक, यानी कि वृद्धि को रोकने के लिए एक हार्मोन्स होता है। ठीक है, जिन्हें पादप हार्मोन्स या वृद्धि नियामक कहते हैं। पादप हार्मोन्स वे जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो पेड़ पौधों में निश्चित स्थानों पर बनते हैं तथा संवाहन ऊतक द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में संचरित होकर वृद्धि नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अब विशेषताएं कुछ देख लो, फिर मैं आपको दो दो हार्मोन्स बता देता हूं, बस खत्म हो जाएगा। देखो विशेषताएं समझ लो, पहला, ये जड़ तना एवं कलिका के शीर्षार्ध विस्तृत में पाए जाते हैं तथा फ्लोयम से होकर अन्य अंगों में पहुंचते हैं, सभी भागों में विस्तृत होकर वृद्धि का नियंत्रित करते हैं। दूसरा, इन्हें पौधों में निष्कासित किया जा सकता है, इसे पौधों से निष्कासित भी किया जा सकता है, अलग भी किया जा सकता है। तीसरा, ये पादप वृद्धि तथा वृद्धि रोधक को नियंत्रित करते हैं। मैंने अभी बता रहा हूं कि वृद्धि यानी कि बढ़ना और वृद्धि को रोकना वृद्धि रोधक। ठीक है, ये कार्बनिक प्रकृति के होते हैं एंड ये अति अल्प मात्रा में प्रभावीशील होते हैं, बहुत कम मात्रा में प्रभावीशील होते हैं, लेकिन प्रभावीशील जो हो जाते हैं ना वो खतरनाक होते हैं। देखो अब दो दो हार्मोन समझ लो, पहला पादप में हार्मोन्स का वर्गीकरण। पादप जो होता है हार्मोन्स दो वर्गों में है, पहला वृद्धि प्रावर्धक, वृद्धि को बढ़ाना, तो जो वृद्धि की दर को बढ़ाता है वो है जिबरेलिंस और साइटोकाइनिन। क्या है, जिबरेलिंस और साइटोकाइनिन जो है वो वृद्धि को बढ़ाता है, पेड़ पौधों को लंबा करता है। ठीक है, एंड यहां है वृद्धि रोधक निरोधक, ये वृद्धि की दर को कम करता है, जैसे एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन, ये वृद्धि को कम करता है। ठीक है, समझ में आया, तो चलो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ये सारा लॉन्ग समझ लो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप कहोगे सर बहुत आसान है लॉन्ग क्वेश्चन, बट पहले तैयार हो जाओ बोर्ड एग्जाम के लिए, खूब पढ़ो। ठीक है, तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आप लोग समझो माय डियर स्टूडेंट। मेंडल के अनुवांशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। जो मेंडल ने अनुवांशिकता का नियम दिया था, तीन नियम दिए थे, उनकी विवेचना करनी है। तो तीन नियम में पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अभिमान का नियम। हम लोग एक एक को बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी का ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग टक्कर लेंगे प्रभाविता के नियम से। ठीक है, तो जब प्रभावी लक्षण का जीन अप्रभावी लक्षण के जीन दोनों साथ में उपस्थित हों तो प्रभावी लक्षण वाला अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, प्रभावी नहीं। मान लो कि जैसे प्रभावी लक्षण अप्रभावी दोनों साथ में उपस्थित होते हैं तो प्रभावी वाला अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। जैसे हमारे राम और श्याम एक साथ हों और लड़ाई हो जाए तो राम वाला जीत जाए, अपना लक्षण प्रदर्शित करे, वो विजेता हो जाए, वैसे ये भी है यार। प्रभावी लक्षण अप्रभावी एक साथ हैं और भैया प्रभावी वाला अपना लक्षण प्रदर्शित करा, अप्रभावी वाला नहीं कर पाया। अब प्रभावी जैसे हमारा लंबा है और बौना अप्रभावी है, लंबा वाला अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, बौना वाला अपना नहीं कर पाता। लाइकेज मैं आपको रिएक्शन के साथ समझा देता हूँ, संकरण के साथ, इसमें संकरण कहना है। ठीक है, रिएक्शन आपका केमिस्ट्री में होता है। तो सबसे पहले आप लंबा पौधा लो, लंबा का मतलब होता है प्रभावी और बौना का मतलब क्या होता है अप्रभावी, समझ में आया। अब देखो कैपिटल टी, कैपिटल टी, टी का मतलब होता है टॉल, टॉल का मतलब होता है लंबा। ठीक है, तो यहां आपका प्रभावी लक्षण। अब ऐसा मत करना कि बौना का अंडर साइज लिख देना, ये सब नहीं, इसका स्मॉल लिखना, स्मॉल लेटर, लाइक इज कैपिटल टी हो तो स्मॉल टी, समझ जाएगा, ये बायोलॉजी है। ठीक है, इंग्लिश नहीं, तो अप्रभावी, इसमें सारा प्रतीक से चलती है, अप्रभावी है। ठीक है, अब देखो यहां से एक हमारा कैपिटल टी आएगा, एक स्मॉल टी आएगा, तो भैया बन जाएंगे टी टी, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो ये हमारे हैं टी टी और ये है लंबा। ठीक है, और ये जो हमारा है ये प्रभावी लक्षण है, क्या है प्रभावी, प्रभावी। ठीक है, बस देखो अब यहां देखो मैंने देखा ना प्रभावी वाला ही अपना लक्षण प्रदर्शित कर पाया, प्रभावी नहीं, बस हो गया। अगला देखो पृथक्करण,
जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी पौधों में स्वपरागण कराया जाता है तो दूसरी पीढ़ी F2 में की संतानों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। इसे हम लोग पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक है, पृथक्करण का नियम समझ में आया। जैसे हम लोग यहां भी प्रभावी अप्रभावी लेंगे क्योंकि ये पीछा छोड़ेंगे नहीं तीनों नियम में। ठीक है, तो प्रभावी और अप्रभावी। प्रभावी का मतलब क्या है? कैपिटल टी। अप्रभावी स्मॉल टी। यहां से अलग अलग कर दो, बस वही पृथक्करण हो गया। कैपिटल टी अलग, स्मॉल टी अलग। ये हमारा हो गया पृथक्करण का नियम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। बस अगला देखो, तीसरा जो नियम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, स्वतंत्र अभिहिमन का नियम। लिखा हुआ है, जब दो लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण युग्मक में चले जाते हैं, और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, अगर दोनों लक्षण साथ में हो तो प्रभावित नहीं करते हैं, दोनों आराम से रहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, यहां हमें दो लक्षण लेना है, एक तो हमारा गोल है और एक पीला। ये प्रभावी है, इनका अप्रभावी होगा गोल का भैया झुर्रीदार, क्या होगा झुर्रीदार, और पीला का हरा। अब देखो आर से क्या होता है, गोल राउंड, पीला का वाई येलो, इसका इस्तेमाल कर दो आर वाई, सरल है ना। चलो ठीक है, सरल होना चाहिए। अब यहां से एक हमारा कैपिटल आर और कैपिटल आर है और एक लेना है जीन दोनों में से एक और इसमें से एक। ठीक है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, यहाँ आपका स्मॉल आर एक और स्मॉल वाई एक। ठीक है, अब इन दोनों के बीच भैया संकरण कराओगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये अब यहाँ बनेगा क्या, एक हमारा कैपिटल आर एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई। ये क्या है, ये हमारा गोल है और पीला है, यहां भी हमारा प्रभावी लक्षण। देखो प्रभावी लक्षण वाला ही अपना जीन प्रदर्शित करता है, बस ये समझ लेना। ठीक है, तो ये हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन यानी कि छठवां, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार पढ़ा रखा है, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप सबसे बड़े क्या हो, समझ गए। तो देखो इसको मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यार बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशल है, 7 नंबर या 4 नंबर में आना ही आना है, तो इसलिए मैं आपको बार बार पढ़ा रहा हूं और माइंड फ्रेश करके पढ़ो। चलो देखते हैं, देखो यहाँ क्या पूछ रहा, ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोगों का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। सबसे पहले हम ओम का नियम समझेंगे, फिर सत्यापन को समझेंगे। तो ओम का नियम क्या है, देखो ओम के नियमानुसार जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप है दाब है ये सब भौतिक अवस्था है सामान रहे तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उनके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब हम किसी कंडक्टर में किसी चालक में करंट प्रवाहित करते हैं तो उनके बीच जो विभवांतर है वो धारा के समानुपाती होता है। V जो होता है वो भैया, चलो मैं आपको लिख कर समझा रहा हूँ, V का मतलब विभवांतर। जितना अच्छे से समझाएंगे उतना अच्छे से समझोगे। ठीक है, ये धारा इंटू यानी कि अनुक्रमानुपाती धारा, वी विभवांतर धारा आई। समझ में आया, अभी भी ना समझ में आया तो वीडियो को पीछे कर लो। ठीक है, देखो अब देखो यहां इसको हम चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक जुड़ जाएगा आर। अब कहोगे ये आर बीच में कहां से आ गया, तो आया नहीं है, इसको बुलाया गया है। देखो आर जो है वो है चालक का प्रतिरोध। ठीक है, ठीक है, यहां से आर बराबर जो होगा वो बी अपान आई हो जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा, वी अपान आई हो जाएगा। अब इसका प्रतिरोध का मात्रक भी याद कर लेते हैं। देखो R का मात्रक यानी कि प्रतिरोध का मात्रक, बराबर विभवांतर का मात्रक, और I का मतलब भैया धारा का मात्रक, धारा का मात्रक निकालते हैं, कुछ है नहीं। देखो विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा, धारा का एम्पियर हो जाएगा, ये एक होता है प्रतिरोध का मात्रक। ठीक है, और दूसरा ये दोनों बराबर होता है ओम के, तो एक तो हमारा ओम हो जाएगा, एक वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा। और हाँ, ओम को हम लोग एक सिंबल के द्वारा, ये एक चिन्ह के द्वारा दर्शा सकते हैं।
ठीक है। तो ये पूरा हो गया ओम का नियम, प्रतिरोध का मात्रक भी। अब हम लोग इसका सत्यापन सीख लेते हैं, क्योंकि सत्यापन बोर्ड एग्जाम में आता है। देखो सत्यापन, इस प्रयोग के लिए एक बैटरी एमीटर कुंजी धारा नियंत्रक प्रतिरोध तथा वोल्ट मीटर चित्र ए यहां देख लो ठीक है, के अनुसार लगाते हैं और प्रतिरोध में प्रवाहित धारा आई एमीटर से तथा प्रतिरोध में शुरू के बीच विभवांतर को वोल्ट मीटर यानी कि बी से मापते हैं ठीक है। ये फिगर देखो, सबसे पहले यहाँ एक बैटरी लगी हुई है जिसमें एक प्लस माइनस का चिन्ह है। ये धारा नियंत्रक है, ये कुंजी है, ये एमीटर है, ये प्रतिरोध है, ये वोल्ट मीटर है, ये बी यानी कि प्लस माइनस वोल्ट मीटर ठीक है। चित्र ए है हमारा और ये है चित्र बी। चित्र बी अभी आपको आगे समझ में आएगा जब हम इसको पढ़ेंगे और यही आपका समाप्त भी हो जाएगा। देखो प्रयोग करने के लिए कुंजी के को लगाकर धारा नियंत्रक की एक स्थिति के लिए प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा उनके सिरों के बीच विभवांतर वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं। इसी प्रकार धारा नियंत्रक द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा बदलकर एमीटर तथा वोल्ट मीटर का पाठ पढ़ लेती हैं एंड अब विभवांतर को एक्स तथा धारा को वाई अक्ष पर लेकर एक ग्राफ खींचते हैं। यदि वह सरल रेखा आता है तो चित्र बी जो चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा सरल रेखे ग्राफ ओम के नियम का पालन करता है। ये क्या है, एक ग्राफ है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, y x अक्ष पर विभवांतर है, y अक्ष पर धारा है। ये देखो एक सरल रेखा है, ये क्या एक सरल रेखा है, बिल्कुल सीधी लाइन। तो ये सरल रेखा हमें मिला है, अगर सरल रेखा मिला है तो ये ओम के नियम का पालन करता है, बस हो गया। तो अगर सरल रेखा है तो ओम के नियम का पालन करता है, अर्थात चालक ओम के नियम का पालन करता है, बस यही तो हमें बताना था। तो इस वीडियो में मैंने आपको साइंस के छह लॉन्ग क्वेश्चन बताए, जिसमें से आपको तीन से चार लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस कराए और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी को नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।